बजट पास हो रहा है तो सबसे पहले तो जैसे सब बोल रहे हैं कि गैस सिलेंडर का जो है दाम वो कम होना चाहिए, क्योंकि इनकम हमारी जो है वो थोड़ी है, लेकिन जो खर्च है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए। प्लस आजकल देख रहे हैं साग सब्जी सब कुछ बहुत महंगा हो गया है, तो उस पर भी थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार से यही अपेक्षा करती हूँ कि सरकार ऐसा बजट पेश करे जो महिलाओं के हित में हो, जिससे महिलाओं का किचन महंगा है, वो जो नया बजट आए उसमें वो किचन सस्ता हो जाए। जैसे घरेलू सिलेंडर है जो कि महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। महिलाएं किचन का खाना बनाती हैं, करती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं, तो वह सब कुछ देख कर ध्यान में रख के सरकार करे ना उस बजट में सुरक्षा जो है। मेरे ख्याल में बजट में पहली बात तो सबसे पहले गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, उसके साथ साथ राशन राशन में जो किचन में जो भी सामान लगता है वो सस्ता होना चाहिए। गृहणियों को ध्यान में रखते हुए बजट बनना चाहिए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, प्याज इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, मटर यहाँ तक बहुत महंगी होती चली जा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बने ताकि ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम अपना घर का बजट उसी हिसाब से बना पाएँ, क्योंकि सारा सब कुछ अगर उसी में चला जाएगा पैसा सारा सब कुछ उसी में, तो एक आम आदमी जो है वो सफ़र करेगा इसमें। बजट से यही मांग करेंगे कि जो भी हो इतना हो कि हमारी जो आमदनी है उसके अनुसार ही हमारा किचन का जो भी हमारा महिलाओं का स्पेशली तो किचन का ही जाता है, तो वो हो, क्योंकि किचन से ही परिवार का पोषण हो पाएगा। और पोषण एक शिक्षा के अगर हम क्षेत्र में देखें तो अरस्तु ने भी यही कहा है कि एक अच्छे शरीर में अच्छा मस्तिष्क निवास करता है, तो अच्छा शरीर तभी बन पाएगा जब सरकार अच्छी तरीके हमारी आमदनी के अनुसार ही हमारा किचन का बजट तैयार करेगी। सरकार से मांग करते जनहित में, महिलाओं के हित में, बच्चों के हित में, परिवार के हित में काम करें और वही बजट पेश करें जो सबके हित में हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।